हेलो मित्र, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं जगदीश कुमार भारती। आज हम लोग इलाहाबाद से चलकर जनवा गए हुए हैं, जा रहे हैं। फिलहाल इस समय नैनी पुल पे हैं और हमारे मित्र संजीव जी हैं और धर्मेंद्र जी हैं। हम सारे लोग आज साइट एक विजिट करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छी साइट है। और इस समय देखिए, हम लोग नैनी पुल पे हैं और अब देखिए जनवा पहुंच गए। ये देखिए मेन गेट है इसका, इसका लोगो लगा है। और यहाँ देखिए हमारे संजीव जी हैं, टहल रहे हैं, धर्मेंद्र जी टहल रहे हैं। और ये देखिए मेन गेट है इसका। और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, हालांकि रात की समय है, इस समय करीब 8 बज रहे हैं। थोड़ा आने में हम लोग को देर हो गई, इस समय 8 बज रहे हैं, रात का माहौल है। लेकिन इतना हरा भरा लग रहा है, इतने पेड़ पौधे, फाउंटेन लगा हुआ है, मतलब चारों ओर से बाउंड्री लगी हुई है। रोड भी इसके 60 फीट की मेन रोड है, 30 फीट की रोड है, 60 फीट की रोड है। इसमें प्लाट समझ लीजिए कि बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, समझ लीजिए कि इतने सस्ते प्लाट अभी इलाहाबाद में कहीं नहीं मिल रहे होंगे। इसी को हम लोग देखने के लिए आए हैं। और यह विजिट करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी ऐसी साइड जो यहाँ जनवा में प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, ऐसी साइड अभी कहीं नहीं है। और सस्ते प्लाट भी हैं, अगर आप लोग देखना चाहिए। देखिए मैं गाड़ी में खड़ा हूँ और आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए रोड से हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये देखिए फाउंटेन लगा हुआ है जगह जगह पे। और पूरी रोड 60 फीट की है जो मेन रोड है, पूरे खंभे लगे हुए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था है और चारों तरफ हरियाली है। दिन रहता तो और आनंद आता, रात है फिर भी। और इस समय हम लोग जनवा आए हुए हैं, हमारे मित्र संजीव जी हैं, इनके साथ आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, एके इन्फोटेक के नाम से, एके इन्फ्राडीन नाम से है। और ये मतलब प्रॉपर्टी का यहाँ पे काम है। और भाई साहब के साथ हम लोग आए हुए हैं और हमारे मित्र हैं, धर्मेंद्र जी हैं, मेरे मित्र हैं, दादा जी हैं। हम लोग इस समय लगभग 8:30 बज रहा है रात, यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छी साइड है, हालांकि इस समय रात है। थोड़ा सा आप कैमरा इधर करके दिखा दीजिए। हाँ, वाटर फाउंटेन भी है बना हुआ है। वाटर फाउंटेन भी है और बहुत अच्छा, हाँ। इतना अच्छा माहौल है यहाँ का और अच्छे रोड है, लाइट भी इतनी अच्छी लगी हुई है। हालांकि इलाहाबाद से लगभग ये कितने किलोमीटर पड़ जाएगा? लगभग यहाँ पे 45 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर पड़ जाएगा। और बहुत ही अच्छी साइड है। और इस समय हम लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं और बहुत ही यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सुख और शांति लग रही है यहाँ के माहौल में। इतना अच्छा देखने में लग रहा है ये साइड। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।